हाय गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो. दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग. तो पीआर सीरीज की लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टेट नॉमिनेशन जो है वो आपको कैसे अप्लाई करना है, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर स्टेट नॉमिनेशन आपको मिल गया है, आपका सक्सेसफुली स्टेट नॉमिनेशन आ गया है, तो नेक्स्ट स्टेप जो आपका होता है वो होता है फाइनल स्टेप, और वो होता है पीआर डालना. तो आज की वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे कि पीआर एप्लीकेशन जब आप करते हैं तो वो एप्लीकेशन आपको कैसे करनी है, और क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो पीआर डालने के लिए आपको रिक्वायर्ड हैं, पीआर के लिए फी कितनी होती है. तो इन्हीं सारी बातों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, अगर आपका स्टेट नॉमिनेशन आ गया है तो सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो स्टेट नॉमिनेशन है इसका जो वैलिडेशन पीरियड है ये होता है 6 मंथ, यानी कि विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर आपको अपनी जो पीआर है वो डालनी होती है. अब अगर हम ये बात करें कि भाई पीआर को आने में कितना टाइम लगता है, तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कितनी स्ट्रांग है. पीआर एप्लीकेशन का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो मैक्सिमम जो है इस वक्त वो है अप टू 1 ईयर. अब ये है कि ये टाइम टू टाइम वेरी भी करता है, कभी कभी 1 से ज़्यादा भी होता है. ये तो वो मैंशन होगा ऑलरेडी इमिग्रेशन की वेबसाइट पर, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि क्या प्रोसेसिंग का मैक्सिमम टाइम है. और देखिए जो पीआर आनी है ना वो कुछ लोगों की बहुत जल्दी भी आ जाती है, विद इन 3 to 4 वीक्स भी हमने देखा है पीआर को आते हुए. और मैक्सिमम टाइम तो डेफिनेटली वही टाइम है जो उसमें मेंशन होता है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर कभी भी आपकी जो पीआर है वो आ सकती है. सो गाइज, मैं आपको एक बार क्विकली ब्रीफ कर देती हूँ कि पीआर एप्लीकेशन करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है और क्या क्या उसके प्रोसेस होते हैं. देखिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है पॉइंट टेबल पर कि आपके कितने पॉइंट्स हैं. तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 65 पॉइंट्स. तो आपके पॉइंट्स लगभग इतने होने चाहिए, 65 होने चाहिए. उसके अपर आपके जितने भी पॉइंट्स हैं दैट्स बेनिफिट फॉर यू. नाउ फिर हमें क्या करना होता है कि हमें कराना होता है स्किल असेसमेंट. तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बेस्ड पर आप चेक कीजिए कि कौन सी अथॉरिटी आपकी जो स्किल है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो डिग्री है उसको असेस करेगी, और फिर आप करवाइए उसके थ्रू अपना स्किल असेसमेंट. सक्सेसफुल स्किल असेसमेंट होने के बाद हम डालते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद हम डालते हैं स्टेट नॉमिनेशन, और स्टेट नॉमिनेशन के बाद जो होता है वो होता है फाइनल पीआर की एप्लीकेशन. तो ये थे सारे स्टेप्स जो आपको फॉलो करने होते हैं, और इन सारे स्टेप्स के बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ. तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप सारी वीडियोज को चेक कर सकते हैं, उनमें मैंने हर स्टेप के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है. तो प्लीज आप वो वीडियोस देख लीजिएगा. अब हम बात करते हैं कि पीआर एप्लीकेशन के लिए क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको जरूरत होती है. तो देखिए जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है वो आता है पुलिस क्लियरेंस. पुलिस क्लियरेंस की जरूरत स्टेट नॉमिनेशन तक आपको नहीं होती है, लेकिन यह है कि देखिए अगर आप पीआर एप्लीकेशन करने वाले हैं तो बेटर है कि आप जब अपना स्टार्टिंग करते हैं ना प्रोसेस, तभी आप ये पुलिस क्लियरेंस अप्लाई कर दें. क्योंकि कुछ कंट्रीज हैं जिनकी पुलिस क्लियरेंस विद इन मंथ आ जाती है, और कुछ कंट्रीज की पुलिस क्लियरेंस को आने में 1 मंथ से भी ज़्यादा का टाइम पीरियड लगता है. तो बेसिकली ये जो पुलिस क्लियरेंस है ये आपको उन सारी कंट्रीज से लेनी होती है जिस भी कंट्री में आप लास्ट 10 ईयर्स में मैक्सिमम 1 साल से ज़्यादा रहे हैं. यानी कि 10 ईयर्स के टाइम पीरियड में अगर आप किसी भी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रहे हैं तो उन सारी कंट्रीज से आपको पुलिस क्लियरेंस लेनी होगी. तो हमारे केस में हमने जो पुलिस क्लियरेंस ली थी वो हमने 4 कंट्रीज से ली थी. हमने इंडिया से ली थी, जर्मनी से ली थी, आयरलैंड से ली थी, और ऑस्ट्रेलिया से ली थी. क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स में इन कंट्रीज में हम ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज्यादा ही रहे थे. तो आपको भी उन सारी कंट्रीज से पुलिस क्लियरेंस लेनी पड़ेगी जिन भी कंट्रीज में आप मैक्सिमम 1 ईयर या 1 ईयर से ज्यादा रहे हैं. फिर जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपके पासपोर्ट की कॉपी. एंड देन जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है वो चाहिए होता है आपको आयल्स का स्कोर कार्ड. तो देखिए ये जो आयल्स का स्कोर कार्ड है वो जो मेन कैंडिडेट है उसका तो डेफिनेटली ही आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास आपके पार्टनर का आयल्स का सर्टिफिकेट है तो इट्स वेल एंड गुड. लेकिन अगर नहीं है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपके स्पाउस की जिस भी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हुई है, जहाँ से भी उन्होंने डिग्री ली है, जहाँ से भी उनकी क्वालिफिकेशन है, आप उस यूनिवर्सिटी से एक लेटर ले सकते हैं कि इनकी जो एजुकेशन है वो कम्प्लीटली इंग्लिश में है. तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आप लगा सकते हैं एंड दैट ऑल्सो वर्क्स. क्योंकि हमारे केस में भी हमने ऐसा ही एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाया था, क्योंकि मेरे पास आयल्स का सर्टिफिकेट नहीं था, केवल विक्रांत ने ही आयल्स का एग्जाम दिया था और उनके पास स्कोर कार्ड था. तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर लिया था और वो सपोर्टिंग लेटर जो है मैंने अपने पीआर एप्लीकेशन के साथ में अटैच किया था. तो इस केस में आप भी ऐसा कर सकते हैं. पीआर एप्लीकेशन के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है जिसे कहते हैं फॉर्म 80. तो ये जो फॉर्म 80 है इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है. इसमें देखिए आपकी खुद पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी होती है,
आपके पेरेंट्स की पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी होती है, आपके एजुकेशनल डिटेल्स आपको डालनी होती है, अगर आप के चिल्ड्रंस हैं तो आपको उनकी डिटेल डालनी होगी, आपके सिबलिंग्स की डिटेल आप इसमें डाल सकते हैं, और जो आपका पार्टनर है उसकी भी सारी डिटेल्स आएगी, उनके भी पेरेंट्स की, सिबलिंग्स की, वो सारी डिटेल, एजुकेशन डिटेल, ये सब इसमें डालनी होती है। और फॉर्म 18 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि देखिए, आपने जिस भी कंट्री में स्टे किया है, चाहे वो स्टे शॉर्ट स्टे हो या लॉन्ग स्टे हो, आपको इस फॉर्म 18 में वो सारे स्टे मेंशन करने होते हैं। आपको वो ड्यूरेशन मेंशन करना होता है, आप टेंटेटिव टाइम मेंशन कर दीजिए कि आप किस ईयर में रुके थे, किस मंथ में थे, और आपको वहाँ के एड्रेस मेंशन करने होते हैं। तो ये सारी जो डिटेल है वो फॉर्म 80 के अंदर आपको फिल करनी होती है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि देखिए, अगर आपकी कपल एप्लीकेशन है तो आपको दो फॉर्म 80 लगाने पड़ेंगे, एक जो मेन कैंडिडेट है उसका फॉर्म 80 और एक आपके पार्टनर का फॉर्म 80। तो ऐसा देखिए, डिटेल आपको दोनों की मेंशन करनी है, लेकिन फॉर्म 80 आपको दो इंक्लूड करने होंगे पीआर एप्लीकेशन के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फॉर्म 80 जो है वो कैसा होता है और कैसे आपको ये फॉर्म 80 मिलेगा। और मैंने ऑलरेडी आपको ब्रीफ किया है कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो ये देखिए, ये है आपका फॉर्म 80। फॉर्म 80 को ढूंढने के लिए आप सिंपल गूगल पर टाइप कीजिए फॉर्म 80 एंड ऑस्ट्रेलिया का, डेफिनेटली, तो उस तरह से वो आपको एक पेज खोल कर देगा। एंड देन आप जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का आपको एक 19 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, तो ये ओपन होता है। तो इसमें देख रहे हैं आप, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसमें आपको मेन एप्लीकेंट की सारी डिटेल डालनी है, एंड देन आपको आपकी पासपोर्ट डिटेल डालनी है, आपकी जो भी ट्रेवल हिस्ट्री रही है आपको वो इसमें मेंशन करनी होगी, अपने आइडेंटिटी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स, वो सब इसमें आपको मेंशन करनी है, जो भी इंटरनेशनल ट्रेवल आपने किए हैं वो सारे ट्रेवल आपको इसमें मेंशन करने हैं, जैसा मैंने बताया था, आपका शॉर्ट स्टे, लॉन्ग स्टे, जो भी आपका स्टे रहा है, तो वो सारी डिटेल आपको इसमें मेंशन करनी है, आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आपको डालनी है, आपके सारे एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपको इसमें फिल करनी होगी, और जहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं आपको वो एड्रेस इसमें डालना होगा, और ऑस्ट्रेलियन वीज़ा हिस्ट्री इसमें लगेगी, यानी कि आप जब से ऑस्ट्रेलिया में आए हैं आप किस वीज़ा पर आए थे, आपने और कोई वीज़ाज चेंज किए हैं या नहीं है, तो वो सारी डिटेल आपको डालनी होगी। सो बेसिकली इसमें सारी डिटेल है, जिस दिन से आप ऑस्ट्रेलिया में आए थे उस दिन से, और आपकी पुरानी जो भी हिस्ट्री डिटेल है वो सारी डिटेल जाएगी, आपके बच्चे अगर हैं तो उनकी सारी डिटेल जाएगी। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि देखिए, अगर आप कपल एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको दो फॉर्मेट ही लगाने पड़ेंगे, और जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो आपको लगाना है वो लगाना है आपके स्टेट नॉमिनेशन का लेटर। तो ये सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको फाइनल पीआर एप्लीकेशन के टाइम पे लगाने होते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि पीआर एप्लीकेशन जो है वो आपको करनी कैसे है, ठीक है। तो पीआर एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना होता है, देखिए, अगर आपका स्टेट नॉमिनेशन आ गया है तो जो आपका स्किल सेलेक्ट है वहाँ पर आपको एक लिंक मिलता है, और उस लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप जाते हैं आपके इमी अकाउंट पर, और वहाँ पर आप अपना लॉगिन कीजिए, और लॉगिन करने के बाद आपको अपना वीज़ा वहाँ पर अप्लाई करना होता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की होम अफेयर्स की वेबसाइट। तो यहाँ पर आपको अब देखिए, अगर आपका स्टेट नॉमिनेशन आ गया है तो आप, जैसे मैंने बताया था, स्किल सेलेक्ट, यहाँ देखिए नीचे इन्होंने ऑलरेडी प्रोसेस मेंशन किया हुआ है कि स्किल सेलेक्ट पे जाइए, वहाँ पर क्लिक कीजिए, एंड देन अप्लाई फॉर द वीज़ा, एंड देन वो आपको लेकर जाएगा एमई अकाउंट पर, और वहाँ पर आप अपना लॉगिन करेंगे, जो आपने ऑलरेडी अपना लॉगिन बनाया हुआ होगा, तो उस लॉगिन पर जब आप जाएंगे तब आप आपकी वीज़ा फाइनल एप्लीकेशन करेंगे, एंड देन फर्दर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो आप करेंगे। सो गाइज, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कि आपको अपनी जो पीआर है वो कैसे अप्लाई करनी है। तो देखिए, मैं ऑलरेडी हर प्रोसेस के बारे में डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, और ये था जो फाइनल स्टेप जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पीआर एप्लीकेशन जब आप करते हैं फाइनल, तो पीआर के लिए आपकी कितनी फ़ी लगती है। तो जो पर पर्सन पीआर फ़ी है, देखिए, अगर आप सिंगल हैं और आप अपने पीआर लगा रहे हैं तो उसके लिए इस वक्त जो फ़ी है वो है $4,025। अगर आपकी कपल एप्लीकेशन है तो आपकी फ़ी तो हो गई $4,025, और जो आपके पार्टनर की फ़ी लगेगी वो लगेगी 2020, ये होगी आपके पार्टनर की फ़ी। और अगर आपकी एप्लीकेशन में आपके बच्चे भी इंक्लूड हैं
तो पर चाइल्ड जो फी है वो है 1,015 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये थी फी का ब्रेकअप कि किसकी कितनी फी लगेगी आपकी पीआर एप्लीकेशन में, और जो भी फाइनल पीआर डालने से पहले के प्रोसेस हैं उनमें जो फी लगती है वो ऑलरेडी मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो वो आप चेक कर सकते हैं। सो गाइज, ये था पूरा प्रोसेस पीआर एप्लीकेशन करने का। अब एक और स्टेप होता है और वो स्टेप होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जब आप अपनी पीआर एप्लीकेशन कर देते हैं, आप पीआर की फी पे कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, आपको कराना होता है अपना मेडिकल एग्जामिनेशन। जब तक आपका मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता है तब तक आपको पीआर नहीं मिल पाएगी। तो इस मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बनाऊंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेडिकल एग्जामिनेशन की क्या फी होती है, क्या क्या टेस्ट वो लोग करते हैं, और अगर आप यू नो एज ए फैमिली अप्लाई कर रहे हैं तो क्या बच्चों का भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। तो इन सारी बातों को जानने के लिए देखिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही होंगी, एंड आपके अगर और भी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम कर पाएं। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि वी आर नॉट एन एजेंट, हम कोई एजेंट नहीं है। हमने सिर्फ अपना ही जो जर्नी है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, हमारा ही एक्सपीरियंस, जैसे जैसे हमने अपना प्रोसेस किया था वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और उसी के बेसिस पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बेस्ट आंसर कर पाऊँ। बट डेफिनेटली अगर आपके और कोई डाउट होते हैं तो आप कोई भी चीज़ें जो है ना इमिग्रेशन की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंशन होती हैं। पर फिर भी अगर आपके कोई फर्दर डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। Thanks for watching. Bye bye.